press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AMS Academy। मैं खान सर आज आपको प्रिंटर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो प्रिंटर्स क्या हैं? द डिवाइस विच इज यूज टू गिव हार्ड कॉपी आउटपुट टू द यूजर। यूजर को आउटपुट देता है लेकिन हार्ड कॉपी में। पिछली आउटपुट की डिवाइसेज की जो क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर्स दोनों सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज हैं। प्रिंटर हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो इस हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में हम देखें मेनली दो काइंड हैं हमारे प्रिंटर की, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर कौन से हैं? इंपैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर हैं जो इंपैक्ट से प्रिंट करते हैं, मतलब किसी तरह का प्रेशर उसमें यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने टाइपराइटर देखा होगा, टाइपराइटर में क्या होता है कि जितने भी कीज हैं उनके ऊपर अल्फाबेट्स बने रहते हैं। जैसे ही कोई की प्रेस की जाती है वो अल्फाबेट जाकर के स्ट्राइक करता है एक रिबन पर, और रिबन के सामने लगा होता है पेपर, और जैसे ही वो स्ट्राइक करता है उस रिबन की इंक जो है वो पेपर पर लगती है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटिंग का एक सीधा साधा एग्जाम्पल है। तो हमारे जो ये इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में हम देखें हमारा पहला हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, या हम यूं कहें कि पहला नहीं है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। एक हमारा डेजी व्हील प्रिंटर है, एक हमारा ड्रम प्रिंटर है। तो सबसे पहले हम उस प्रिंटर की बात करें जो कि सबसे पहले आया था। तो सबसे पहले हमारा जो प्रिंटर आया था वो हमारा डेजी व्हील प्रिंटर 1968 में EP101 जापान की एप्सन कंपनी ने ये प्रिंटर बनाया था। वैसे इस प्रिंटर के ऊपर रिसर्च पहले से चल रही थी कि जापान में जब ओलंपिक गेम्स हुए तो उन ओलंपिक गेम्स के लिए एक प्रिंटर की जरूरत थी जिससे कि जो एथलीट्स हैं उनके टाइमिंग्स को रीड किया जा सके, रिकॉर्ड किया जा सके। उस टाइम वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन हम लोगों को हमारा पहला जो है वो प्रिंटर मिल गया, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील आप लोग मेले वगैरह में जाते हैं, वहाँ एक बड़ा सा पहिया लगा रहता है जिसमें लोग बैठ करके एंटरटेनमेंट के लिए घूमते हैं, वो डेजी व्हील कहलाता है। उस पहिए का नाम डेजी व्हील है। तो वो डेजी व्हील जैसा नज़र आता है बिल्कुल उसी तरह से एक राउंड, पूरा एक राउंड शेप का जो है इसमें बना रहता है, जिसके ऊपर सारे के सारे कैरेक्टर्स, सारे के सारे सिम्बल्स बने रहते हैं। ये जो पहला प्रिंटर है हमारा EP101 जापान का बनाया हुआ, इसके अंदर किसी तरह के कैरेक्टर्स नहीं थे, इसमें सिंबल्स थे। इसमें कैरेक्टर्स के अलावा सिंबल्स और फिगर्स थी जो कि बाद में उसमें कैरेक्टर्स वगैरह डाले गए थे। तो ये डेजी व्हील प्रिंटर में सारे के सारे राउंड के अंदर, पूरे एक कंप्लीट राउंड में अल्फाबेट और सिंबल्स कैरेक्टर्स जो भी हैं वो सब लिखे रहते हैं, और ये व्हील घूम घूम करके प्रिंट देता है। यानी फॉन्ट चेंज करने वाली कोई चीज नहीं है, ना साइज चेंज कर सकते हो, ना फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ना पिक्चर्स वगैरह प्रिंट कर सकते हो। इस डेजी व्हील प्रिंटर के बाद आया हमारा ड्रम प्रिंटर। अब ड्रम प्रिंटर जो है
वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीपल फॉन्ट्स यूज कर सकते हो। पूरा जैसे ये डेजी व्हील बना हुआ है, ऐसे पूरा पूरा ड्रम बना हुआ है, पूरा व्हील है, ड्रम है, जिसके ऊपर सारे के सारे कैरेक्टर प्रिंटेड हैं, अलग अलग फॉन्ट्स में प्रिंटेड हैं। जिस फॉन्ट में आपको प्रिंट करना है उस फॉन्ट का जो वो कैरेक्टर है वो सामने आ जाएगा, और जो कैरेक्टर है उसके वहां जो साथ में रिबन लगा होता है उस रिबन के ऊपर बाहर से स्ट्रोक किया जाता है, इम्पैक्ट किया जाता है, और उस इम्पैक्ट की हेल्प से प्रिंट होता है। इस डेजी व्हील प्रिंटर में भी इम्पैक्ट से प्रिंटिंग हो रही थी, और हमारे इस ड्रम प्रिंटर में भी इम्पैक्ट से ही प्रिंटिंग, यानी एक्सटर्नल इम्पैक्ट दिया जाता है और उसकी हेल्प से प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रिंटर आप लोगों के सामने हमारे आ गए, डेजी व्हील प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। अब हम बात करें हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये प्रिंट करता है विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। कंप्लीट जो कुछ भी प्रिंट होता है वो डॉट्स की हेल्प से होता है। मान लीजिए हमने इस तरह से ये P लिखा है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसे इस तरह से डॉट्स की हेल्प से प्रिंट करेगा, डॉट की हेल्प से प्रिंट करेगा। कि हो सकता है कि नॉर्मली देखने में हमें डॉट्स जैसा ऐसा कुछ नजर ना आए, लेकिन अगर हम उसे गौर से देखेंगे तो सारे के सारे डॉट्स हमें एक एक अलग अलग नजर आते हैं। तो सब कुछ जो है वो डॉट्स की हेल्प से प्रिंट किया जाता है, और डॉट्स के आधार पर हम इसे जो है वो 9 पिन और 24 पिन दो कैटेगरी में बांटते हैं। जो 24 पिन प्रिंटर हैं इनकी प्रिंट क्वालिटी बेटर होती है, प्रिंट क्वालिटी बेटर होती है 24 पिन की हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग में। अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग करते हैं तो उसमें जो है 24 पिन की जो प्रिंटिंग है वो बेटर प्रिंटिंग आती है। जो नॉर्मल जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं वो दो साइज के आते हैं, पेपर साइज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। एक है हमारा 80 कॉलम और दूसरा है हमारा 132 कॉलम। 80 कॉलम जो हम नॉर्मली A4 साइज इस तरह के छोटे पेपर जहां यूज करते हैं वहां 80 कॉलम का यूज होता है, और जहां बड़े पेपर जैसे कि A3 साइज वगैरह इस तरह के जो पेपर यूज होते हैं वो 132 कॉलम में प्रिंट होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में नॉर्मली कंटिन्यूस सीट का यूज किया जाता है, कंटिन्यूस सीट्स का यूज किया जाता है, क्योंकि फीडिंग के लिए इसमें ट्रे नहीं होती है बल्कि दोनों साइड लॉकिंग सिस्टम होते हैं। कंटिन्यूस सीट के साइड में जो लॉकिंग के लिए सुराख दिए होते हैं वो इसमें लॉक किए जाते हैं, और फिर सीट फीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उन सीट्स पर कंटिन्यूस प्रिंट हो जाता है। आपको बार बार पेपर सेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार सेट कर दिया तो उसके बाद कंटिन्यूस आप उसमें जो है वो प्रिंट दे सकते हैं। इनका इस टाइम ज्यादा यूज नहीं हो रही है, ये एब्सोल्यूट हो गए हैं। बैंक्स वगैरह में कहीं कहीं यूज होता है। बैंक्स में जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आजकल यूज हो रहे हैं वो दो हैं, एक तो हमारा पासबुक प्रिंटिंग के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का कहीं कहीं यूज हो रहा है। कई बैंक्स उसके लिए भी अब जो है वो लेजर प्रिंटर्स का यूज करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन कई जगह पर अभी भी पासबुक प्रिंटिंग के लिए डॉट मैट्रिक्स का यूज हो रहा है। और दूसरा है वो जो स्टेटमेंट्स हैं, डेली स्टेटमेंट्स जो निकाले जाते हैं उसके लिए लाइन प्रिंटर यूज किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की ही एक टाइप है। इस लाइन प्रिंटर की खासियत ये होती है कि ये
जो हमारे नॉर्मल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं वो करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करते हैं और लाइन प्रिंटर लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं। यानी इसको इसकी जो स्पीड है वो लाइंस में कैलकुलेट की जाती है, जैसे 80 लाइंस। नॉर्मली जो इस टाइम बैंक्स वगैरह में हाई स्पीड लाइन प्रिंटर यूज किए जाते हैं वो 1200 लाइंस पर मिनट तक की स्पीड देते हैं। यानी जब बैंक का काम शाम को खत्म हो जाता है तो उसकी समरी जो है उनको हाथों हाथ प्रिंट करनी होती है, तो उसके लिए ये लाइन प्रिंटर काम करते हैं, जो स्पीड में उनको जो है वो प्रिंट निकाल करके दे देते हैं। कॉस्ट एफिशिएंट हैं जितने भी हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं, वो सारे के सारे कॉस्ट एफिशिएंट हैं, यानी कि कम कॉस्टिंग के अंदर हमें प्रिंट क्वालिटी प्रिंट देते हैं। क्वालिटी लो हो सकती है, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जहां पर क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती, हमको प्रिंट चाहिए होता है, वहां पर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज किया करते हैं। तो डॉट इंपैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद हम देखते हैं चैन प्रिंटर और बार प्रिंटर। चैन प्रिंटर जो है उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो एक चैन के ऊपर बने हुए रहते हैं और दोनों साइड इसमें व्हील लगे रहते हैं और ये कैरेक्टर्स सामने आते रहते हैं और इंपैक्ट की हेल्प से वो प्रिंट होते रहते हैं। मान लीजिए ये कैरेक्टर्स हैं तो ये घूम घूम करके जो है वो चैन पूरे को प्रिंट करती है। तो ये चैन प्रिंटर जो है वो IBM कंपनी ने बनाया था। दूसरा हमारा बार प्रिंटर। बार प्रिंटर में एक फिक्स बार है और उस फिक्स बार के ऊपर सारे के सारे कैरेक्टर एम्बॉस्ड रहते हैं और वो सारे के सारे कैरेक्टर जो है वो प्रिंट करने के लिए बार को आगे पीछे किया जाता है। तो ये हमारा बार प्रिंटर है। तो इस तरह से हमारे जो इंपैक्ट प्रिंटर है वो कंप्लीट हो चुके। अब हम बात करें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की।